गाइस, अगर आप एक शॉर्ट फिल्म या फिर फीचर फिल्म बनाने के मूड में है ना, तो आपको इसके लिए एक बहुत ही जरूरी चीज जरूरत पड़ती है, और वो है ग्रीन स्क्रीन। देखिए, ग्रीन स्क्रीन जो है ना, उसका यूज आप बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए या फिर वीएफएक्स वर्क के लिए कर सकते हैं। तो मेनली मैं जान रहा हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है ना, वो है शॉर्ट फिल्म मेकर्स। तो अगर आप शॉर्ट फिल्म में ग्रीन स्क्रीन का यूज करना चाहते हैं और कम बजट में शॉर्ट फिल्म को बनाना चाहते हैं ना, तो ग्रीन स्क्रीन आपको बहुत ज्यादा काम लेगी। देखिए, ग्रीन स्क्रीन से आप ना महंगी से महंगी चीजों को कम बजट में कर सकते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए कि आपको आउटडोर में कुछ ऐसा दिखाना है, जैसे सपोज कोई ट्रेन का आपको सीन दिखाना है आउटडोर में, तो वहां पर जाकर के आप जब शूट करेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छी खासी मनी खर्च करनी पड़ेगी, आपको अच्छे खासे पैसे लग जाएंगे। तो आपको क्या करना है ना, आप ग्रीन स्क्रीन में से शूट कर सकते हैं और फिर इसका रिजल्ट आप क्रोमा की के जरिए एडिटिंग करके पा सकते हैं। तो आपको ये ऐसा लगेगा ना सीन कि आप ट्रेन में हैं और ट्रेन में इस तरह की पूरी सीक्वेंस हुई है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ग्रीन स्क्रीन जो है ना, नए फिल्म मेकर्स के लिए या शॉर्ट फिल्म मेकर्स के लिए बहुत जरूरी है, और ये फीचर फिल्म मेकर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, आजकल तो जितनी भी मूवीज है ना, उसमें बिना ग्रीन स्क्रीन के तो काम ही नहीं होता है। तो मैं आप लोगों को आज पूरा ग्रीन स्क्रीन का सेटअप दिखाने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ आकाश रजक और आप देख रहे हैं आकाश रजक ओरिजिनल्स। तो देखिए गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रीन स्क्रीन का एक सेटअप लगा हुआ है। ये कम्प्लीटली मैं आप लोगों को पूरा दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये दिखता है। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि ये जो ग्रीन स्क्रीन है ना, इसे ये ट्राइपॉड के जरिए अटैच किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि नीचे से ऊपर तक आप देखिए कि ये ट्राइपॉड से अटैच है, और ये दोनों साइड्स में ट्राइपॉड है। एक ट्राइपॉड इस साइड में लगी हुई, एक ट्राइपॉड उस साइड में लगी हुई। लेकिन सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर ऊपर में रॉड लगी हुई है, जिससे ये ग्रीन स्क्रीन का कर्टन जो है ना, वो फिक्स किया हुआ है। देखिए, ये पूरा सेटअप आता है, ये आप अपने हाथों से नहीं कर सकते, ये पूरा सेटअप आता है। आप देखिए ऊपर में ये दिख रही है। उसके बाद आप देखेंगे ना कि इस साइड में भी, देखिए आप इधर की तरफ आ जाइए, तो इस साइड में भी आप देखेंगे ना कि एक ट्राइपॉड लगी हुई है और ये ऊपर में फिक्स है। तो ये दोनों साइड से आप देख सकते हैं कि ग्रीन स्क्रीन ट्राइपॉड से अटैच्ड है। अब देखिए, ये जो ग्रीन स्क्रीन है ना, ये अलग अलग साइजेस में आती है, ये आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार है कि आप क्या साइज चाहते हैं। तो मेरे पास जो है, मेरे स्टूडियो में ग्रीन स्क्रीन वो है 14 फीट वाली, 14 फीट काफी होती है। आप चाहे तो उससे कुछ वीएफएक्स का भी वर्क कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं ना कि फुल की आउट करना, यानी फुल आप क्रोमा का वर्क करना चाहते हैं पूरे बॉडी का, तो आपको क्या करना होगा ना, इसे ओपन कर लेना होगा। ये फ्लोर पर भी बिछती है, मैं आपको दिखा दूं, मैं इसे थोड़ा सा फ्लोर पर इसे स्प्रेड करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए, इस तरीके से आपको स्प्रेड करना होगा, मैं रफली इसे स्प्रेड कर देता हूँ। और उसके बाद फिर आपको क्या करना है ना, स्प्रेड करके आप जैसे अगर इसमें से इस तरीके से ऐसे बैठ जाएंगे ना, तो बैठने के बाद फिर क्या होगा कि आप इस पूरे एरिया को की आउट कर सकते हैं। आप इस जगह पर कुछ भी डाल सकते हैं, सपोज आप पानी डाल देंगे इस जगह पर कि पानी है, या फिर आग जल रही है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये जो है ना, ये इतना फैलता है, इससे और भी ज्यादा ये आगे जाएगा, जो कि एक अच्छा रेंज होता है कि आप किसी भी चीज को की आउट कर ले। यानी अगर आप खड़े भी है ना, तो आप नीचे से लेकर के ऊपर अपने पूरे पार्ट को की आउट कर सकते हैं, यानी आप क्रोमा का वर्क उसमें कर सकते हैं। आप अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, या फिर आपको उड़ा सकते हैं अगर आप उड़ाना चाहे तो ये सब यूजेस ना आप शॉर्ट फिल्म में कर सकते हैं। अब देखिए, क्रोमा का वर्क करते समय कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखा जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो मैंने आप लोगों को क्रोमा का सेट दिखाया, ये क्रोमा का सेट है, लेकिन इसमें शूट करते वक्त आपको कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जो मैं आप लोगों को अपने आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आपको फिल्म मेकिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड वीडियोस हमेशा देखने को मिलेंगे। तो फिर मिलेंगे इस नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।